हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माझा मेनू में। आज हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट। वैसे तो सिंपल सा ही दिख रहा है, बट है नहीं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है। तवा गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डालेंगे बटर। बटर को मेल्ट हो जाने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। अभी हम एक ही अंडे का बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम प्याज और टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा प्याज। हाँ, टमाटर भी हम अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो अभी हम क्या करेंगे, टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, उसको एक बार मिक्स कर देंगे और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ही डालना है हमें नमक, बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे जब ऊपर से हम अंडा डालेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर से हम डालेंगे अंडा फोड़कर। तो अब यहाँ पर मैंने अंडा डाल दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 मिनट अच्छे से पकने दोगे। उसके पहले हमें क्या करना है, जो साइड से है ना अंडे के, तो हम लोगों को क्या करना है, बटर डालना है थोड़ा थोड़ा, ताकि उसके किनारे नीचे चिपके ना, और जब हम उसको पलटी मारेंगे ना ऑमलेट को, तो वो अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर किनारों पर लगा दिया है। अब बस 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद मसालों की बारी। तो यहाँ पर मैंने लिए मिर्च, तो आप अपने हिसाब से मिर्च डालें, ऐड करें। हल्दी पाउडर, हल्दी आप 1 पिंच के करीब डाल सकते हो, उससे ज़्यादा मत डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा मतलब 1 पिंच ओनली, ठीक है। तो उसके बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर, वो भी 1 पिंच। ब्लैक पेपर, जो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ाएगा, और थोड़ा सा नमक ऊपर से। उसके बाद हम डालेंगे धनिया के पत्ते। बस डन। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे, मतलब 2-3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम अभी मैंने स्लो कर दी है, ताकि वो अच्छे से पके। थोड़ी देर में बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो बस 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे तवे पर, और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा ऑमलेट रेडी है। तो अभी मैं इसको निकाल लूंगी, और यही तवे पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे और हमारे ब्रेड को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बटर मेल्ट हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम ब्रेड रखेंगे इसके ऊपर, दोनों साइड से बटर को लगा लेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट होने देंगे। थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएगा ना, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड को अच्छे से रोस्ट करके हम उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है डॉक्टर ओटकर का वेज मेयोनीज, मिंट फ्लेवर का है। एक ब्रेड पर हम इसको लगाएंगे, अच्छी तरह से पूरी साइड पे लगाना है आपको। तो मिंट फ्लेवर का जो मेयोनीज है ना, वो बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे आप इसको घर पर भी बना सकते हो, मैं इसकी भी रेसिपी बाद में आप अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। उसके बाद मैंने लिया है क्लासिक मेयोनीज, वो भी डॉक्टर ओटकर का है। तो दूसरे ब्रेड पर हम उसको स्प्रेड कर देंगे।
दोनों ब्रेड को मेयोनीज अच्छे से लगाइए, कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो बस अब ये रेडी है, हम इसके ऊपर डालेंगे हमने जो ऑमलेट बनाया है उसको, और दूसरे ब्रेड पर मैं रखूँगी खीरे के बारीक पीसेस मैंने कर लिए हैं वो डालूँगी। अगर आपको चाहे तो आप उसमें टमाटर और जो अनियन है उसके भी बारीक पीसेस बनाकर रख सकते हो, बट मुझे खीरा ही पसंद है तो मैं वही डालूँगी। ये देखिए हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। जो नहीं खाता वो भी खाएगा और दूसरी बार ज़रूर मांगेगा। तो आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी टेस्ट कैसा है और आपको रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।